हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आज मैं आपको मीन राशि के जो जातक हैं पैसेस उनके बारे में बताऊंगी। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का समय पर कैसे जाने वाला है, उनका करियर, उनकी हेल्थ, उनकी मैरिज लाइफ, उनकी फाइनेंशियल, कोई घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब मैं अपने कार्ड्स के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे बताएँ कि आपका कैसे जाने वाला है ये 15 दिन। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर उसमें वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगी, थोड़ा थोड़ा ग्रहों के बारे में बताने की कोशिश करूँगी या कोई इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। जैसे अभी पितृपक्ष आने वाले हैं तो ये ध्यान रखिए कि मैं पहले सिम्टम्स बता देती हूँ कि कौन से, अगर पितृपक्ष अगर आपके आपको लग रहा हो कि घर में बहुत टेंशन है या लड़ाई झगड़ा चल रहा है या जहाँ लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती है, मारपीट डांट ये सब होता है, तो आप अपने घर में देखिएगा कि जो आपका जीना होता है, जीने का सीढ़ी के नीचे का जो जगह होती है वो भरी हुई होगी। आपने कहीं उसमें सामान रख दिया तो खाली कर दीजिए। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोई पढ़ाई का सामान या उस जगह पे पेड़ रख सकते हैं। नल कभी मत लगाइए और कभी भी जो है उस जगह को कभी भी स्टोर मत बनाइए बंद करके। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो, अगर आप ऐसा करते हैं, हटा देते हैं सब चीज़ों को, तो आपके घर में ये सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी। और बाकी सारे दिन में आप जो भी गाय के लिए पहली रोटी निकलती है वो निकाल के रखिए, आखिरी में कुत्ते की, कौए की और चींटी को चीनी वगैरह ये सब आप डालिए। इन 15 दिनों में जो पितृपक्ष का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितने पितृदोष कुंडली में पाया जाता है वो बृहस्पति की जो ग्रह होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, तो उस वजह से होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मीन राशि के जातकों का कैसा जाएगा। मैं अपने कार्ड से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे बताएं कि मीन राशि के जातकों का, अपने एंजल से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मीन राशि के जातक हैं उनका करियर, उनकी हेल्थ, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो कोई नहीं घर पर है, उनकी मैरिज लाइफ कैसी जाएगी, लव लाइफ कैसी जाएगी। मैं सबसे पहले आपका करियर देखना चाहूँगी। मैं अपने कार्ड्स के थ्रू देखना चाहूँगी कहीं आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं आप नई जॉब अगर करना चाहते हैं तो, या अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड देखिए आपका ये आया है, इसमें ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो है कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करियर में आपको अपनों से कहीं प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं कोई 3 लोग हैं घर में आपके मेंबर, मेन मेंबर जो आपके अपने हैं या फिर कलीग हो सकते हैं ऑफिस में, तो वो उनसे कहीं प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं आ रही है आपके ऑफिस में। करियर के हिसाब से देखूँ तो अभी कहीं भी कुछ भी अप्लाई मत करिए, वो अभी कार्ड्स डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 15 दिनों के लिए आप प्लीज़ रेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो अदर स्किल्स हैं जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। देखिए कार्ड वही मैसेज देते हैं जो एट प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये प्रेजेंट, एट प्रेजेंट 15 दिनों के लिए यही मैसेज कर रहे हैं मीन राशि का कि आप अपने घर पर जो भी काम कर सकते हैं घर के थ्रू वो करिए, अभी बाहर कहीं मत निकलिए। मेन राशि का इस वक्त आपका जो मेन जो स्वामी ग्रह होते हैं बृहस्पति होते हैं, याद रखिएगा, गुरु होते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं वो आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि घर में ही आराम से रिलैक्स करिए। घर में हो सकता है या कलीग कोई हो सकते हैं 3 लोग, उनसे थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, बहुत ज़्यादा बिलीव करके ना चलें उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, थोड़ा सा अलर्ट रह के चलें। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा जना है जो बहुत जलसी करता है, कार्ड बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि कोई जना, मुझे नहीं मालूम, कोई हो सकता है घर में हो सकता है या बाहर पड़ोस में हो सकता है या ऑफिस में, जो आपको जलनखोरी के मारे जो है आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और ऐसी कोई स्त्री है, ऐसी कोई स्त्री है जो कि सारा पैसे के मामले में उलट फेर करेगी, तो ऐसा ये कार्ड्स इसमें बता रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है घर में हो या हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई जना हो, तो सावधान रहिए, झगड़ा मत करिएगा, शांत रहिएगा। इसमें अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी तो मैं अपने कार्ड से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे हेल्थ के बारे में बताएं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आपकी हेल्थ अगर मैं देखूँ तो ये उल्टा कार्ड आया है जस्टिस का, दैट मीन्स कि आप जैसा आप करेंगे वैसा आप भोगेंगे, जैसा आप खाए पिएंगे वैसे ही आपका हेल्थ बन जाएगी, तो हेल्दी चीज़ें खाइए इन 15 दिनों में।
वैसे भी पितृपक्ष चल रहे हैं तो ज़्यादा मिर्च मसाला और ये सब चीज़ें नहीं, थोड़ा सा साधारण चीज़ खाई, क्योंकि कार्ड्स डिनाई कर रहे हैं कोई किसी भी जंक फूड या मसालेदार चीज़ों के लिए। सादा सादा खाना खाइए, और कहीं ना कहीं अपनों को लेकर के आप बहुत टेंशन में रहेंगे अपने दिमाग में, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन से भी हेल्थ जाती रहती। तो मैं तो ये कहूँगी कि इसमें आप थोड़ा सा ख्याल रखिए अपने हेल्थ का, और हेल्दी डाइट लीजिए तो हेल्दी आपका बैलेंस बना रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हेल्थ में। तो और मैं ये देखना चाहूँगी कार्ड से कि मैरिज लाइफ कैसी जाने वाली है, घर में कोई झगड़ा तो नहीं है, झंझट कुछ ऐसा, कैसा जाने वाला है मैरिज लाइफ आपकी। इसमें मैं ये कहूँ कि आप कहीं ना कहीं घर पे आप पैम्परिंग, कहीं ना कहीं आपका जो दिल है वो आपके दिमाग पे हावी हो रहा है, तो ऐसा मत करिए। आप कहीं ना कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं अपने वाइफ के साथ या कहीं भी, तो उसको प्लीज़ अभी कैंसिल कर दीजिए, कहीं भी बाहर जाने की कोशिश मत करिएगा मीन राशि के जो जातक हैं। और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर पीठ पे लाद के चलने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल लाइटली हर चीज़ों को लीजिए इस वक्त। बहुत ज़्यादा टेंशन अगर लेंगे तो हेल्थ पे कहीं ना कहीं आपके इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं ये कहूँगी कि आप जो है, क्योंकि बृहस्पति है आपका गुरु, आपके जो मेन स्वामी हैं, राशि स्वामी हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर पितृपक्ष चल रहे हैं तो साउथ की तरफ थोड़ा सा तिल डाल करके आप जल अर्पित करिए, और हो सके तो सूर्यदेव को हल्दी डाल करके अगर आप रोज़ अगर डालते, क्योंकि सूर्यदेव भी हमारे पितृ माने जाते हैं, हम सबसे पुराने ग्रह हैं और राजा माने जाते हैं सूर्य ग्रह, तो आप उन पे जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उनको रोज़ अर्पित करें तो आपको इफेक्ट आपको अच्छा दिखेगा। और पितरों को ज़रूर जो है वो कुछ ना कुछ पीला कुछ कोई चीज़ आप निकाल के दे दें, पीले वस्त्र या पीले फूल थोड़े से अपने मंदिर में ही चढ़ाते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इस तरह से करें तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी कम होती नज़र आएंगी। अदरवाइज़ आपका हेल्थ जो है वो ठीक यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, जैसा खाएंगे वैसा ही आपका हेल्थ बनेगी। और मैरिज लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आप जो है वो दिल बहुत हावी हो रहा है माइंड पे, और लोगों से जो है कहीं ना कहीं आप बहुत प्रेशर में आप बोझा उठा के चलेंगे, लेकिन आप लेना नहीं चाहेंगे, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और मैसेज क्या है मैं ये देखना चाहूँगी, मैसेज ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनों से ही बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं, घर में या ऑफिस में कलीग से बहुत प्रेशर है इस वक्त, तो उस प्रेशर से बचने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताया है पितृपक्ष वाला वो ज़रूर करिए। गाय के लिए रोटी निकालिए, और जो है जो कुछ नहीं तो आप किसी गरीब की मदद कर दीजिए पैसे से या मिठाई से कैसे भी। कुत्ते और कौवे के लिए भी थोड़ा सा निकालिए, पितृपक्ष चल रहे हैं, अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आएगी। और कोई ना कोई नई चीज़ शुरुआत करने के लिए आपको कार्ड्स जो है वो अलाउ कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम बिजनेस में हो सकता है या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ आप कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी पितृपक्ष के बाद आप कर सकते हैं, अभी मत करिएगा, 15 दिन बाद जब पितृपक्ष खत्म हो जाए इसके बाद। तो आई थिंक आप, आई होप कि मुझे ये मुझे जो कार्ड्स मुझे मैसेज कर रहे हैं वो आप तक पहुँच गया होगा मैसेज मीन राशि वालों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।